न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश उत्सव के पेश नजर आज वनटॉन पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर सईदुल्लू की सदारत में कमन कमेटी मुनाकिद हुई। इस अमन कमेटी में तमाम जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इजलास में दोनों त्योहारों को पुरअमन माहौल में अंजाम देने के लिए तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस महबूब नगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने दोनों त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाने के लिए तमाम तरह इंतजाम का तय खुन दिया। इस मौके पर वक्फ तहफ़ कमेटी के रुकन अनवर पाशा, यूथ सदर जिला मजलिस मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, मजलिस फ्लोर लीडर सैयद सादतुल्ला हुसैनी, रामिया बौली काउंसलर मुश्ताक रशीद के अलावा दीगर मौजूद थे। महबूबनगर टाउन के मंडोर पुलिस स्टेशन में आज गणेश उत्सव कमेटी और मिलाद जुलूस के ताल्लुक से एक अमन कमेटी सर्कल इंस्पेक्टर सईदुल के सदारत मुनक्किद हुई, जिसे तमाम जमातों के नुमाइंदा हजरात ने शिरकत की। और चूँकि गणेश विसर्जन 27 को है और मिलाद जुलूस 28 को है, दो तकारीब के दौरान जो 10 दिन का वक्फा है, वक्फे में मस्जिद में मिलाद की महाफिल और गणेश मंडप के पास नवरात्र के दिन लोग रात जागते हैं, दोनों के टकराव के बगैर ये दो ईदों को बेहतर अंदाज में मनाने के ताल्लुक से गुफ्तगू की गई है। और जो जो भी हडल्स गणेश के पंडाल की वजह से पैदा होने वाले हैं राहरों को, उसके ताल्लुक से भी बात की गई है। और तमाम हालात की रोशनी में उहदारों ने तमाम बेहतर इंतजाम का तय खून दिया है, इसलिए हम कभी उम्मीद रखते हैं कि ये दो तकारीब हैं वो बेहतर अंदाज में अदा की जाएंगी और महबूबनगर का अमन बाकी बरकरार रहेगा।